नमस्ते, मैं हूं प्रवीण सोनी। आरपीटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आरपीटीवी न्यूज़ की लेटेस्ट अपडेट और खबरें देखने के लिए लाल रंग का सब्सक्राइब बटन जरूर दबाइए और वहीं पास ही में बेल आइकॉन को दबाइए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखते हैं आज की थाना बड़वानी पुलिस ने धारा 144 के उल्लंघन कर पार्टी नाका बड़वानी पर विधि विरुद्ध रूप से मत होकर एकत्रित होने पर करीब 200 लोगों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया है। वर्तमान समय में कोरोना वायरस संक्रमण से बचने के लिए बड़वानी शहर में कलेक्टर जिला दंडाधिकारी बड़वानी द्वारा पूर्ण लॉकडाउन कर धारा 144 लागू की गई है, जो पुलिस अधीक्षक श्री DR तेनिवार ने कस्बा बड़वानी में पूर्ण रूप से लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए थाना प्रभारी TI राजेश यादव को निर्देश दिए, जिस पर कोतवाली TI राजेश यादव ने थाने में कस्बे में सभी मुख्य स्थान पर पॉइंट लगाकर आने जाने वालों को चेक करने के निर्देश दिए गए हैं। आज पार्टी नाका बड़वानी पर आरोपी 1 हरि सिंह जमरा निवासी सावरिया पानी, वाल सिंह निवासी ग्राम लिंबी, तुकाराम निवासी सेमली, नासरी भाई निवासी बमनाली, बलिराम खड़ते निवासी ग्राम केंद्रा, लोनिया निवासी ग्राम अवली, बेलती भाई निवासी ग्राम लिंबी, तुलसीराम सोलंकी निवासी ग्राम देवगढ़ व अन्य 200 लोगों के द्वारा बिना कारण विधि विरुद्ध एकत्रित हो गए तथा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं करते हुए धारा 144 का उल्लंघन के आरोपियों द्वारा बिना कारण के एकत्रित होना पाया गया, जबकि कलेक्टर साहब ने कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते पूर्ण लॉकडाउन करने व बिना किसी वजह से किसी भी व्यक्ति द्वारा घर से बाहर नहीं निकलने के आदेश जारी किए। इसके बावजूद आरोपियों द्वारा धारा 144 का उल्लंघन कर घूमते हुए पाए जाने पर आरोपियों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 188, 143, 149 भारतीय दंड विधान एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 पंजीबद्ध किया गया। थाना प्रभारी TI राजेश यादव ने बताया कि लॉकडाउन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ बड़वानी पुलिस की कार्रवाई जारी रहेगी।